नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको परहेज करना। दोस्तों टाइफाइड बुखार, ये मियादी बुखार भी इसको कहते हैं, या इसका एक नाम है मोती जरा बुखार। मोती जरा इसको देहातों में अक्सर बोल देते हैं। अक्सर क्या होता है, टाइफाइड भी शरीर में जगह जगह स्पॉट बन जाते हैं, इरेप्शन हो जाते हैं। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जब इस बैक्टीरिया से पीड़ित मरीज जो मल त्याग करता है, वो मल हमारे जो पीने का पानी है उसको जो प्रदूषित करता है, और खान पान के माध्यम से ये बैक्टीरिया हमारे आंतों में जाता है, 5-6 दिन वहाँ रहता है, फिर बाद में ये बुखार के लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों टाइफाइड बुखार में आपको क्या खाना है, आइए चर्चा करते हैं। टाइफाइड बुखार में फाइबर युक्त भोजन आपको लेना है, साबुत अनाज, साबुत दाल ज़्यादा लेना है आपको, पपीता, केला, कच्चे फल, सब्जियां आदि का सेवन ज़्यादा करना है। तले हुए भोज पदार्थ, जितना भी पूड़ी पराठे जैसे पकवान होते हैं, इनका आपको परहेज करना है। मसालेदार भोजन का आप परहेज करें, मसालेदार भोजन ज़्यादा ना लें, अचार, चटनी, गोभी, जो इस तरह का बहुत ज़्यादा मसालेदार या भोजन होता है, उस तरह की सब्जियां आपको नहीं लेनी है। शिमला मिर्च, मूली, प्याज आदि का परहेज करें। गंध वाली चीज़ों का भी इसमें परहेज करना रहता है, प्याज लहसुन वगैरह का। बहुत सी सब्जियां फल ऐसे होते हैं जो गैस बनाते हैं, तो गैस बनाने वाले भोज पदार्थों का आपको सेवन नहीं करना, जैसे कटहल, अनानास। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेशेदार सब्जियां, खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने हैं, जैसे केले, पपीता, शकरकंद आदि। जितना भी चिकनाई है, तेल, घी, पेस्ट्री आदि, मिठाई वगैरह, इन सभी का आपको परहेज करना। और सरल पदार्थ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, बार सफाई रखें, पानी आरो का पिए अथवा पानी उबाल कर पिए। तो दोस्तों परहेज हैं टाइफाइड बुखार के दौरान। मरीज को आराम की सलाह दी जाती है, मरीज जितना आराम करेगा उतना टाइफाइड फीवर कंट्रोल होगा। और पानी ज़्यादा लिए, बॉयल्ड पानी या आरो का पानी ज़्यादा पिए। दोस्तों ये परहेज मैंने बताया आपको टाइफाइड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मैं एक होम्योपैथिक दवा आपको टाइफाइड के लिए बताना चाहूँगा। इसमें ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। ब्रायोनिया 30 अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है रोगी को, तो ब्रायोनिया 30 का बहुत अच्छा रोल है। इसमें एक दवा है दोस्तों, सिब्रोसिन ड्रॉप। सिब्रोसिन ड्रॉप बुखार के लिए, टाइफाइड बुखार के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ये दवाएं, दोनों दवाएं ग्रायन 30 और सिब्रोसिन ड्रॉप, आप दोनों साथ साथ दीजिए, आपको मरीज को बहुत जल्द आराम मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।